हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ अपने नए मॉनिटर की, और आपको अपना वीडियो एडिटिंग का सेटअप मैं दिखाने वाला हूँ। जो मैं अपना अभी रिसेंटली मैंने कल ही एक मॉनिटर परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, सो उसको अनबॉक्स करेंगे, उसको सेटअप करेंगे, और कंप्लीट जो सेटअप दिखेगा कैसा वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता उसके लिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इज वेल। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड स्टार्ट द वीडियो। सो ये है एल जी का 24MK600, ये 24 इंचेस का मॉनिटर है, और अगर आप देख सकते हैं इसमें IPS डिस्प्ले है, फुल HD, कलर कैलिब्रेटेड है, और इसमें वॉल माउंट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है जिससे आप इसको वॉल पे माउंट कर सकते हैं। सो लेट्स ओपन द बॉक्स। तो ये रहा इसका पावर केबल, ये इन्होंने अच्छा किया कि इसमें HDMI केबल दिया है ताकि मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकूं। मैंने CPU बिल्ड नहीं किया है, मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके यूज़ करने वाला हूं, क्योंकि मुझे बड़ी स्क्रीन चाहिए थी। और ये इसका स्टैंड है, ये आई गेस ये मेटल का स्टैंड है, ओपन करके चेक कर देते हैं। तो ये है आपका इससे स्टैंड, जिससे आप अपने मॉनिटर को स्टैंड से कनेक्ट करते हैं। तो ये माउंट दे रखा है एक उन्होंने, बट इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि आप अपने वायरिंग को डायरेक्टली इसके थ्रू राउट करके, ताकि वो थोड़ा सा क्लीनर लुक दिखता है। सो अभी इसके बाद मैं देखता हूँ मॉनिटर कैसा है। कुछ पेपर वर्क्स हैं, कुछ CDs दी हुई हैं, आई डोंट नो व्हाई CD किस लिए इसमें। इसके बाद इसको ओपन करते हैं मॉनिटर। तो ये मॉनिटर कुछ ऐसा दिखता है, इसमें दो HDMI आउटपुट हैं, एक आपका ऑडियो इनपुट आउटपुट और एक है आपका VGA केबल। ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बैक पैनल इसका वाइट कलर का है, सामने से ब्लैक है, साइड में पूरा नैरो बेजल्स है, तो काफ़ी क्लीन और काफ़ी अच्छा लुक आएगा इसका, और स्क्रीन काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। सो इसको सेटअप करते हैं और चेक करते हैं कैसा दिखता है ये पूरा सेटअप करने के बाद। सो ये जो है इसको मैं यहाँ पर माउंट करना पड़ेगा, उसके लिए स्क्रू कहाँ दिया हुआ है इन्होंने, ये रहे। वीडियो एडिटिंग का सेटअप, और आप देख सकते हैं स्क्रीन की ब्राइटनेस काफ़ी अमेजिंग है और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छा है फुल HD का। सो ये IPS डिस्प्ले है, बट ये 4K नहीं है डिस्प्ले, और दो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन और इसका स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है वो लैपटॉप का 60Hz है, उसका 75Hz है, तो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल रही है मुझे, और मुझे वीडियो एडिटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा ये लैपटॉप। तो आपको ये सेटअप कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा ये मैंने लॉजिटेक का माउस और कीपैड लिया है जो कि वायरलेस है, USB के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, और ये मैंने अपना HDMI केबल से लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। सो ये काफ़ी क्लीन लुक आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ज़्यादा वायरिंग इधर उधर नहीं हो रखी है। और ये जो एक बॉक्स है इसमें मैं अपना GoPro वगैरह का सामान रखता हूँ बस। तो इसके अलावा टेबल पर और कुछ भी नहीं है, और इसकी कुछ इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा किसी एक्सेसरीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर प्रो भी काफ़ी अच्छी तरह से इस पर दिख रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी स्क्रीन है, तो अगर मैं काफ़ी इजी होगा मुझे कलर ग्रेड करना, कलर्स का पता लगेगा, क्योंकि IPS डिस्प्ले है और इसका जो कलर एक्यूरेसी भी अच्छी होती है IPS डिस्प्ले में, तो ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे पता लगेगा कि एटलीस्ट वो दिखेगा कैसे अगर वो आप लैपटॉप में देखते हैं वो वीडियो को, या फिर अगर आप किसी मोबाइल पर देखते हैं तो किस तरह का लुक आएगा उसका। सो ये था मेरा वीडियो एडिटिंग का सेटअप, और ये मॉनिटर काफ़ी अच्छा है व्हेन कम्स टू वीडियो एडिटिंग, और काफ़ी अच्छा क्लैरिटी है इसकी। तो आप देख सकते हैं वीडियो में ये 4K वीडियो चल रही है इस पर, तो मुझे वीडियो एडिटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अभी फ्यूचर में, और काफ़ी ईजी हो जाएगा मेरे लिए कलर ग्रेडिंग करना, क्योंकि मेनली जो मैंने ये
पीसी या फिर ये मॉनिटर लिया है फॉर कलर ग्रेडिंग। सो ये तो था मेरा वीडियो एडिटिंग का न्यू सेटअप, और ये सेटअप आपको कैसा लगा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं अपनी वीडियो क्वालिटी को। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और कुछ कॉमेंट में अच्छा बोलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।